अमृतसर जलंधर की जिमनी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से आम आदमी पार्टी का समर्थन मांगा गया है। इस पर पंजाब से भाजपा के नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी हार को कबूल कर लिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन मांग रही है और अपील कर रही है कि आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। वेरका ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक बार हमें जिमनी चुनाव जीत लेने दे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को अपने आप विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए था, ना कि किसी के सहारे से। राजकुमार जी, आज प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी तो जलंधर चोन वास्ते समर्थन मंगया, की कहोगे? मैनू लगता है कि प्रताप बाजवा जी दे बयान तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार कबूल कर ली होगी, कि कांग्रेस पार्टी इन्नी कमजोर हो चुकी है कि तुसी हुण केजरीवाल का समर्थन मंग रहे हो, उन्होंने अपील कर रहे हो, बेनती कर रहे हो कि वह कैंडीडेट ना खड़ा कर सानू इलेक्शन जित लैन देन। भई तुहानू अपने उच्च विश्वास होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी नू अपने उपर विश्वास होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी नू अपनी ताकत नाल लड़ना चाहिए, ना कि किसी दियां वसाखियां ते। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि जिस तरीके से पंजाब के नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे सिखों का नाम बदनाम हो रहा है। इसके साथ ही दादूवाल ने पंजाब सरकार को बधाई भी दी और कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि मौजूदा समय में पंजाब में कहीं भी गोली नहीं चली। इसके साथ साथ पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए दादूवाल ने कहा कि पहले की सरकारें तो शांत से बैठे हुए लोगों पर गोलियां चलवा देती थी। इसके साथ ही सरकार से अपील करते हुए दादूवाल ने कहा कि नौजवानों के ऊपर से NSA को हटा दिया जाए और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों का नया सेशन शुरू हो चुका है और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं। आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव कालूवाला में एक सरकारी स्कूल है जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ घिरा हुआ है। इस दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने इस प्राइमरी स्कूल कालूवाला का दौरा किया। बता दें कि गांव के बच्चे एक कश्ती में सवार होकर सतलुज दरिया को पार करते हैं। इसके अलावा बच्चों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। आज सुबह शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बच्चों के साथ किश्ती में सवार होकर प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और सेशन की शुरुआत में बच्चों को नई किताबें भी मुहैया करवाई। बठिंडा के केंद्रीय जेल से एक और खबर सामने आई है। कुछ कैदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी नाजायज मांग को पूरा करने की धमकी भी दी। जब कैदियों की एक नहीं चली तो बाहर से फोन मंगवा कर कैदियों ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में वो सरकार और जेल प्रशासन के खिलाफ अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को वायरल करने की कोशिश में जुट गए। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बठिंडा कैंट के SHO गुरदीप सिंह ने बताया कि कैदी ने ये वीडियो गुरप्रीत सिंह, जो लुधियाना का रहने वाला है, को भेजी थी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और वीडियो लीक मामले में 12 दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसमें 6 दोषियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। करीब 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के सफर का जिक्र किया। इस दौरान PM मोदी ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और भविष्य की योजनाएं भी बताई। वहीं देश में इन दिनों हो रही भ्रष्टाचार पर कार्रवाई पर PM मोदी ने कहा कि अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख बादशाही मानसिकता वाले लोग हताशा से भरे हुए हैं, इसलिए अब ये लोग खुलकर मोदी की कब्र खोदने की धमकी देने लगे। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एक है,
जिसके तहत सीबीआई, ईडी और न्यायपालिका को काबू किया हुआ है। आम आदमी पार्टी के राज्यपाल सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्कों में मोदी जी का समर्थन करने वाले अंकल आंटी, सरकारी और प्राइवेट विभागों में काम करने वाले 28 करोड़ कर्मचारियों, क्या आपको पता है कि आपके पीएफ का 1,57,000 करोड़ रुपए पीएम मोदी ने अपने दोस्त अडानी और कई कंपनियों पर लुटा दिया। विधानसभा प्रश्नकाल के बाद शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर खूब हंगामा हुआ। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत शिमला नगर निगम चुनाव से संबंधित मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सरकार ने नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के विधेयक सदन में पारित किया, लेकिन इससे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी। रणधीर शर्मा ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र आने वाला हो तो उसमें 15 दिन पहले ऑर्डिनेंस के जरिए कानून में बदलाव करने की परंपरा नहीं है। वाटर सेस का कानून भी ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा सरकार के समय राज्य चुनाव आयोग की अनुमति से परिसीमन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी और नियमों के अनुसार ही 34 वार्डों का रीऑर्गेनाइजेशन कर उन्हें 41 किया गया था। प्रतिपक्ष के इस बयान पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष का बहिष्कार सिर्फ पेपर लीक पर सदन के भीतर हो रही चर्चा से भागने के लिए था। इनको पता था कि विधानसभा के अंदर रहेंगे तो जो प्रस्ताव कांग्रेस विधायक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में हुई धांधली को लेकर आए हैं उस पर क्या बोलेंगे, इसलिए शिमला नगर निगम के उस विधेयक को बहाना बनाकर प्रतिपक्ष ने वॉकआउट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती। बात कुछ नहीं है, स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम ले रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है।